खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में शाहदरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर फायरिंग हुई है। हमले में जितेंद्र सिंह बाल बाल बच गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला? देखिए महाराज, आज सुबह करीब 5:40 पर तीन लोग आए, जितेंद्र सिंह शंटी जो शाहदरा में रहते हैं उनके घर पर आए और आने के बाद उनसे ये कहा कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट उनको कुछ देखने हैं, उनको करना है। उसके बाद वो जो लोग थे उन लोगों ने विधायक के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और लेकिन वहाँ जो विधायक हैं उन्होंने शोर मचा दिया, और जिसके चलते जो तीनों लड़के हैं वो फायरिंग करते हुए भागे। आप देखेंगे जितेंद्र सिंह शंटी जो है एमएलए, वो किस तरह से भाग रहे हैं बचने के लिए, लेकिन जो लड़के थे वो शायद शोर मचाने की वजह से वहां से फायरिंग करते हुए भाग निकले। तीन बार उन्होंने तीन राउंड जो फायरिंग की है, और उसके बाद वो लड़के वहां से भागे, और शंटी जो है उन्होंने अपने घर वालों को अंदर से बुलाया, और जब घर वाले बाहर आए उसके बाद जो लड़के थे वो तीनों भाग कर वहां से निकल गए हैं। तो पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर है। जो पूरा घटना की पूरी तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, और जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो अटैक करने लोग आए थे उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, और उसके बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। उसके बाद इनकी विधायक से खींचतान हुई, और खींचतान के दौरान जो बदमाश है उसने अपनी एक पिस्टल निकाली, और पिस्टल से उसने तीन बार फायर किया। जब बदमाश ने पिस्टल निकाली तो विधायक बचने के लिए घर के अंदर भागे, और विधायक ने और जो बदमाश था उसने विधायक पर तीन बार गोली चलाई, लेकिन वो पूरी घटना में बाल बाल बच गए। तो फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो वहां पहुंच गई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पहुंचे हैं, और गोलियों के कुछ जो खोके हैं खाली वो मिले हैं, और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बदमाश किस नियत से वहां पर आए थे, क्या इनका मकसद विधायक को मारना था, और ये कौन से लोग हैं। तो अभी कोई सुराग नहीं मिला है बदमाशों का, लेकिन पुलिस ने मौके से जो खाली कारतूस हैं वो बरामद किए हैं, और कहा जा रहा है कि जो ये तीन लड़के आए थे वो कुछ उनके हाथ में कुछ कागज थे, और वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सर्टिफाई कराने के लिए आए थे, यही उन्होंने विधायक से कहा। और उसके बाद जैसे ही जो एमएलए डॉक्यूमेंट देखने लगे उसके बाद इन लड़कों ने विधायक के साथ मारपीट शुरू कर दी, और मारपीट शुरू होने के बाद जो लड़का था उसने पिस्टल निकाल ली और पिस्टल से तीन बार फायरिंग की, लेकिन जो विधायक हैं वो बाल बाल बच गए। और फिलहाल अब पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर ली है। जितेंद्र सिंह शंटी जो है बीजेपी के से एमएलए हैं शाहदरा से, और कई बार ये एमएलए रहे हैं पहले भी, तो पूरे मामले की जांच की जा रही है कि अगर कोई आपसी रंजिश का मामला है या ये कुछ और मामला है। मुकेश, आप बने रहे हैं, जितेंद्र सिंह शंटी को सुनते हैं। रहते हैं कागज टेस्ट कराने के लिए, तो मैंने मिसिज को बोला कि बाहर देखो कौन आया है, तो मिसिज ने थोड़ा सा देर कर दिया उठने में, तो मैं चला गया उठ के। मैंने देखा एक सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में कोई कागज थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के पूछा क्या काम है, तो कहते कागज टेस्ट कराने हैं। मैं बाहर निकला और मैंने कागज उनसे ले लिए, गलती से कागज मेरे से गिर गया, फिर मैंने कागज उठाया, फिर मैंने कहा रुकिए मैं 2 मिनट में टेस्ट करके ला रहा हूँ। जैसे मैं दरवाजे से वापस घूमने लगा उन्होंने मेरे को गरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रिवाल्वर निकालने की कोशिश करने लगे, तो मैंने रिवाल्वर जब देख ली मैंने सोचा, तो उन्होंने मुझे खींचते खींचते बोलना शुरू कर दिया कि बोलियो मत, तो बोलियो मत, और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के ले गए और फायरिंग शुरू कर दी। मैं भागा, हाथापाई हुई मेरी अच्छी खासी उनसे, गलती से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, मेरा अपने घर का ही इंटरलॉक है, तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी, फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी, तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया जिग जॉग करता हुआ, 3 या 4 फायर उन्होंने किए। आप घर के बाहर पहुंच गए थे? मैं घर के बाहर था गली में। तो आपको पकड़ा भी पीछे से? मेरे से हाथापाई हुई है, पकड़ा गया मेरे से हाथापाई हुई है, मेरे गरेबान उनके हाथ में था और हम गुत्थम गुत्था हो गए आपस में, और मैंने रिवाल्वर निकालते देख के गुत्थम गुत्था मैंने शुरू कर दिया उनके साथ कि मेरे को मार देगा नहीं तो मेरे को। शाहदरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर फायरिंग, और मकसद अभी मालूम नहीं।